ओम आंजनेयाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम सर्वदुखहराय नमः, ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोक देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगला मुखी का, राम जी महाराज का आशीर्वाद और कपयदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 13 फरवरी सन 2024, माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। आज विनायक चतुर्थी व्रत किया जाएगा, वरद चतुर्थी का व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। साथ ही आज अंगारक योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 3:29 से सायंकाल 4:53 तक राहु काल रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के शुभ कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा की तरफ दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा के निकलेगा, आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज की शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:53 से दोपहर 2:05 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:04 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज दोपहर 3:44 पर सूर्य का महाराशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य के इस गोचर का, महाराशि परिवर्तन का, संचरण का प्रभाव आप सभी की राशियों पर पड़ने वाला है। तो सूर्य देव का आज दोपहर 3:44 पर कुंभ राशि में होने वाला महाराशि परिवर्तन आप में से किन दशकों को, किन राशि वालों लोगों को बनाएगा अमीर, किनके पास होगा गाड़ी बंगड़ा, पैसा, नेम, फेम, पद, पावर, प्रतिष्ठा, तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए अपनी राशियों के बारे में। ये शुरुआत करते हैं मेष राशि से। चूंकि आज संक्रांति रहेगी तो दान भी किया जाएगा, तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से एकादश भाव में होने जा रहा है। 11th हाउस में लाभ के स्थान पर सूर्य का महाराशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो उससे क्या होगा महाराज, हमारे दर्शकों को जो बिजनेसमैन है उन्हें मिलेगा नुकसान।
बिजनेस में हो सकता है बड़ा नुकसान, लाभ की जगह हो सकता है नुकसान। ध्यान क्या रखना होगा? पैसों के लेन देन में रखना होगा ध्यान। कार्य क्षेत्र में अपनी गति पर रखना होगा कंट्रोल। आज कुंभ संक्रांति का महादान, टोस्ट के पैकेट का दान मानसिक रोगियों के लिए कीजिएगा। निश्चित तौर पे सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। दशम भाव अर्थात वर्किंग सेक्टर में, तो सूर्य का ये गोचर, सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए मध्यम फल प्रदान करने वाला रहेगा। नौकरी हो या बिजनेस, दोनों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता हुआ दिखाई देगा। फ्लक्चुएशंस विल बी देयर, सो यू हैव टू बी केयरफुल। और स्वास्थ्य का विशेष रूप से रखना होगा आपको ध्यान। संक्रांति का महादान, आदित्य हृदय स्तोत्र की पुस्तक विद्यार्थियों को दान कीजिएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में होने जा रहा है। चूंकि सूर्य कुंभ राशि में जा रहा है, तो क्या होगा, भाग्य का मिलेगा कम साथ। और क्या महाराज, करनी होगी जी तोड़ मेहनत। और क्या महाराज, स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है। संक्रांति का महादान, 5 किलो शक्कर का दान गुरुद्वारे में लंगर के लिए कीजिएगा। निश्चित तौर पे शुक्र सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी भरतपुर से प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछे प्रदीप जी। के बारे में, उसकी जन्मतिथि है 19/9/2008। 19/9/2008। हाँ। दोपहर के 12:10। बच्चा है बच्ची? बच्चा है, लड़का है सर। पूछिए क्या प्रश्न है। ये अभी 10th क्लास में सर, इसको आगे मतलब किस करियर में जाएगा सर, ये किस सब्जेक्ट दिलाएं इसको जो है, ताकि इसका करियर मतलब किस तरह से आगे क्या रहेगा इसका भविष्य जो है। देखिए, जहाँ तक प्रदीप जी इसकी जन्म कुंडली का सवाल है, इसके एजुकेशन हाउस का जो ऑनर है वो देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं है और अपनी ही राशि में बैठे हैं। अगर ये कॉमर्स फैक्टर में जाता है तो CA बन सकता है। अगर ये लॉ सेक्टर में जाता है तो आगे जुडिशी में जा सकता है। साइंस में ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं रह पाएगा। साइंस अगर सब्जेक्ट दिलाएंगे भी सही, तो इंजीनियरिंग करा के अल्टीमेटली MBA वगैरह कर सकता है। जिसमें इसका इंटरेस्ट हो उसमें इसको जाना चाहिए। टेक्निकल ये सर्वाइव नहीं करेगा, नॉन टेक्निकल ही होना चाहिए। कॉमर्स फील्ड में जा सकता है और उसके साथ साथ में अगर साइंस लेनी है तो इंजीनियरिंग करके आगे MBA कर सकता है। UPSC की तैयारी करे तो सरकारी अफसर बन सकता है, बड़ा अफसर बन सकता है। तो कुंडली बहुत अच्छी है इसकी, लेकिन दो समस्याएं, एक तो कालसर्प दोष है। योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करवा लीजिएगा। बच्चे को बोलिए रात को हमेशा सोने से पहले 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करे और स्कूल जाते समय 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करें। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। चूंकि शनि इसका अच्छा नहीं है, हर बात को शेयर करें, हर चीज़ें मन की जो बात है वो पेरेंट्स को बताए। काले नीले रंग के कपड़ों के प्रयोग से दूर रहे स्कूल ड्रेस के सिवा। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है। साइंस में जाएगा तो MBA करेगा, कॉमर्स में जाएगा तो आगे CA कर सकता है या लॉयर बन सकता है। अच्छी हॉरोस्कोप है, हमारा आशीर्वाद है। भवानी जी जयपुर से जुड़े हुए, आपका भी प्रश्न पूछो भवानी जी। प्रश्न पूछो भवानी जी। हाँ, ऐसा है, मेरी पोत्री का सवाल पूछना है मुझे। भवानी सिंह बोल रहा हूँ जयपुर से। जी बोलिए। हाँ, उसका जन्म जो है 2 नवंबर 1998 है। 2 नवंबर 1998। हाँ। समय जयपुर। जयपुर
समय ऐसा उसका न तो पढ़ने में मतलब सही हो रही है नहीं, उसका विवाह आदि का समय हो रहा समय है। बताएंगे भवानी जी समय। भवानी ऐसा है सब 2 नवंबर 1998 को 1:52 पर 1996 98 98 1:52 सुबह हाँ दोपहर का। ओके देखिए जहाँ तक मैं आपकी बात को समझ पाया हूँ 2 नवंबर 1998 और दोपहर में 1:52 पे इस बच्ची का, एक तो रेवती नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि पैदा होते ही आपने इसकी रेवती नामक गणमूल नक्षत्र की विधि विधान पूर्वक पूजा कराई होगी। अगर नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में रेवती नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति कराइए। दूसरा, इस बच्ची की जन्म कुंडली में राहु मंगल की युति बनी हुई है। राहु मंगल जब साथ होता है तो इसको अंगारक योग बोलते हैं, भारी मांगलिक है, तो मंगल की विधि विधान पूर्वक इसकी शांति करानी होगी। एक सूर्य इसकी कुंडली में नीच का है, नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करे। तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करें और चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर धारण करें। आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण में जो बना कमरा है, वहाँ पे इसका बेडरूम होना चाहिए। प्रतिदिन नहाते समय, स्नान करते समय जल में थोड़ा हल्दी पाउडर डाल के स्नान करें। तुलसी माता की 11-21 परिक्रमा करें। मेरे अनुसार इसके विवाह का योग इस वर्ष के अंत तक नहीं तो अगले साल की शुरुआत में निश्चित तौर पर बन रहा है। बच्ची की कुंडली अच्छी है, काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करें। रविवार को तो लाल रंग की गाय की सेवा करनी है और शनिवार को काले रंग की गाय की सेवा करनी है। बहुत जल्दी शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी राशियों पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। तीन राशियों की बात करी, अगली तीन राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम भाव में एर्थ भाव में होने जा रहा है। तो अष्टम भाव में सूर्य के राशि परिवर्तन से क्या होगा महाराज, रखना होगा अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का, अपनी तबीयत का विशेष रूप से ध्यान। और क्या महाराज, भाग्य पर बहुत ज्यादा डिपेंड मत रहिएगा, आश्रित मत रहिएगा। जितनी मेहनत करोगे फल उसके अनुसार ही मिलेगा, ध्यान रखना। डोंट डिपेंड ऑन द लक, पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। कुंभ संक्रांति का महादान क्या रहेगा, शक्कर का दान वृद्धाश्रम में कीजिएगा, निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 7th हाउस में, सप्तम भाव में, दाम्पत्य भाव में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज, हो सकता है रुपए पैसों का बड़ा नुकसान, फाइनेंशियल लॉसेस का सामना आपको आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है। और क्या महाराज, आज तो आप सब गलत ही गलत बता रहे हो। दाम्पत्य जीवन में आ सकता है तूफान, मैरिड लाइफ लठ बच सकते हैं, इसलिए कम बोलो सुखी रहो, ज्यादा बोलोगे तो वैवाहिक जीवन में बजेंगे लठ। वर्किंग सेक्टर में करना पड़ सकता है विवादों का, परेशानियों का सामना। संक्रांति का महादान क्या रहेगा, सफेद तिल, सफेद वस्त्र, साबुदाने का दान मंदिर में कीजिएगा, निश्चित तौर पे सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से षष्ठम भाव में, छठे भाव में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज, गुप्त शत्रु कर सकते हैं हैरान परेशान। और क्या महाराज, कोर्ट कचहरी वाद विवाद इन सब से रहना होगा कोसों दूर। और क्या महाराज, कड़ी मेहनत करोगे तो मिलेंगे मनचाहे परिणाम। महासंक्रांति का दान क्या रहेगा, अपाहिजों को, बैसाखियों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी।
बात कर रहे हैं आज होने वाले सूर्य के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। छह राशियों की बात करी, आगे छह राशियों की तरफ बढ़ते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से सष्टम भाव में छठे भाव में होने जा रहा है। क्या होगा? गुप्त शत्रु कर सकते हैं हैरान परेशान। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से रहना होगा कोसों दूर। कड़ी मेहनत से मिलेंगे मनचाहे परिणाम। संक्रांति का महादान क्या रहेगा? संक्रांति का महादान क्या रहेगा? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर देता हूं। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए राशि परिवर्तन पंचम भाव में होगा। सूर्य देव आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। कहां पे? पंचम भाव में। उससे क्या होगा? सूर्य देव के पंचम भाव में महाराशि परिवर्तन से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष तौर पे इसका शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगी। चूंकि सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव में आ रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना होगा। पढ़ने वाले बच्चे जो है मेहनत ज़्यादा करनी होगी तभी जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान से संबंधित परेशानियां आपको कर सकती है परेशान। और संक्रांति का महादान क्या रहेगा? गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, निश्चित तौर पे सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, चौथे भाव में, मन के घर में, सुख के घर में। क्या होगा महाराज? जमीन जायदाद माता के सुख में हो सकती है कमी। क्या बात कर रहे हैं महाराज? जी हाँ, थोड़ा ध्यान रखना। मानसिक अवसाद डिप्रेशन कर सकता है परेशान। और क्या महाराज? नौकरी बिजनेस में करें शांत बने से काम। संक्रांति का महादान अपाहिज लोगों को भोजन कराइएगा, निश्चित तौर पे सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से तृतीय भाव में थर्ड हाउस के अंदर होने जा रहा है। क्या होगा? आलस्य को त्यागें, कर्मठ व्यक्ति बने। आलस्य को त्यागना होगा, कर्म करना होगा। भाई बहनों में हो सकता है वैचारिक मतभेद। नौकरी व्यवसाय में आ सकता है उतार चढ़ाव। संक्रांति का महादान कन्याओं के अनाथाश्रम में गाजर का दान कीजिएगा, सूर्य के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। अमित चुरू से जुड़े हुए हैं, प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। गुरु जी, वाइफ के लिए पूछना था, डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1985। दो बज के 10 मिनट दोपहर में। दोपहर 2:10। हाँ, सुरू राजस्थान। हाँ, क्या प्रश्न है सर? मैं इनके नाम से शेयर ट्रेडिंग में पैसा लगा सकता हूँ क्या? शेयर में? हाँ, इनके नाम से कर सकते हैं क्या? देखिए, इनके द्वादश भाव का जो स्वामी है गुरु नीच राशि का है, और नीच राशि का गुरु कभी भी शेयर मार्केट में शुभ परिणाम नहीं देगा। इनके नाम से जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट का काम आपको शुभ परिणाम नहीं देगा। क्योंकि नीच राशि का गुरु है और गुरु की ही महादशा चल रही है, तो इसलिए क्या करें? एक तो कालसर्प दोष है, सर्प दोष की विधिवत पूजन अर्चन कराएं। पितृदोष है, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। और जिस तरह का ट्रेडिंग का काम आप करना चाहते हैं वो आपको नहीं करना चाहिए इनके नाम से, क्योंकि अभी वर्तमान में गुरु की महादशा ही चल रही है। सफ़ेद पुखराज सफ़ेद सोने के अंदर इनको इंडेक्स फिंगर में पहनाएं। कल वैलेंटाइन डे है तो यदि पत्नी को कुछ गिफ्ट देना है तो व्हाइट सफ़ायर, पीला पुखराज नहीं, सफ़ेद पुखराज सफ़ेद सोने में
या चांदी में नहीं सफेद सोने के अंदर इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दीजिए। इनके ग्रह सुधरेंगे तो आपके ग्रह वैसे ही सुधर जाएंगे। लक्ष्मी मेहरबान होगी तो सब कुछ स्वतः वैसे ही ठीक हो जाएंगे। अपने पत्नी के ग्रह को सुधारिए। इनको बोलिए गुरुवार का फास्ट करें। गुरुवार के दिन पीला खाना नहीं है, पीला पहनना नहीं है, पीला दान करना है। पीले फल हो गए, पीली दाल हो गई, खाना नहीं है ध्यान रखें, पहनना नहीं है, दान करना है हर गुरुवार को, और गुरुवार का फास्ट रखें। और जो आपका मूल प्रश्न है, ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। विमल छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए, आपका भी प्रश्न पूछिए। 26 जुलाई 1995 11:32 रात का दुर्ग प्रश्न और बर्थ प्लेस क्या है? दुर्ग प्रश्न पूछे जी। पंडित जी, मेरे जीवन में बहुत रुकावटें चल रही है, बाधाएं भी है, कब तक दूर होगी, कैसे दूर होगी? देखो बेटा, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध की माँ दशा चल रही है और बुध कुंडली में अस्त है। अस्त बोले तो डूबा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दूँ। अब ये मेरी चाहत है, मेरे में अगर ताकत होगी तो बना दूंगा। ऐसी बुध की माँ दशा आपको देना तो चाहती है, लेकिन वो अस्त है, डूबी हुई है, तो क्या करें? एक तो जितना संभव हो बुधवार के दिन गौ सेवा अवश्य करें, हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाएं, हरी चद्दर पे सोए, नियमित रूप से सूर्य देव को जल का अर्घ प्रदान करें, लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें। आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा अप्रैल 2025 से। सरकारी नौकरी अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अगले साल 2025 में सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। थोड़ा सा समय परीक्षा ले रहा है, बाकी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यू विल बी नॉट फेलियर पर्सन इन योर लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं बाकी बची हुई 3 राशियों की। मकर राशि, मकर राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी राशि से सेकंड हाउस में होने जाएगा, द्वितीय भाव में होने जाना है। तो क्या होगा महाराज? धन आएगा धन जाएगा, आने दो जाने दो, भाग्य के भरोसे मत बैठो, कर्म पर रखो विश्वास, स्वास्थ्य का रखो ध्यान। संक्रांति का महादान, अंधे बच्चों के स्कूल में चने की दाल का दान कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? मानसिक परेशानियां कर सकती है परेशान। डिसीजन शुड बी वेरी केयरफुल। नौकरी हो या बिजनेस, चुनौतियों का करना पड़ सकता है सामना। और क्या महाराज? स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखे, क्रोध से बचिएगा, मानसिक अवसाद से बचिएगा। संक्रांति का महादान, सफेद तिल के लड्डू फुटपाथ पर पल रहे बच्चों में बांटिएगा, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दशक, सूर्य आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। तो क्या होगा महाराज? जुआ, सट्टा, लॉटरी, जमानत, ये जो अनैतिक काम है, इनसे दूर रहो, कोसों दूर रहो। आमदनी के मुकाबले खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है, व्यर्थ का अपमान हो सकता है, अपयश हो सकता है। संक्रांति का महादान, गुड़ से बनी गजक कुष्ठाश्रम में बांटिएगा, लाभ प्राप्त होगा। जल्दी से जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम सर्व रोग हराय नमः, ओम सर्व रोग हराय नमः, ओम सर्व रोग हराय नमः, ओम सर्व रोग हराय नमः। लाभ क्या है? इस मंत्र का जाप करो, मिलेगी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मेंटल डिप्रेशन, सर्वाइकल सरदर्द जैसी बीमारियों से परमानेंट मुक्ति। जल्दी से जान लेते हैं छोटे छोटे से गुड लक टिप्स, आज के दिन को गोल्डन डे बनाने वाले गुड लक टिप्स। आज टमाटर के सूप में 5 तुलसी के पत्ते डालकर सेवन कीजिएगा, पूरा दिन बना रहेगा स्ट्रेस फ्री। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों का सिंदूर अपनी नाभि पर लगाइएगा, लगने लगेगा पढ़ने में मन। हनुमान मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को गजक खिलाइएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। लाल रंग की गौ माता को रोटी गुड़ खिलाइएगा, वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा।
पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहेगा। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ संध्या समय में चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, रहेगी घर में सुख शांति समृद्धि। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही, कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।